कामधेनु हितकारी मंच बिलासपुर के सदस्यों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए बजट को सर्व हितकारी बजट बताया है। वहीं बेसहारा पशुओं की उचित व्यवस्था और दुग्ध उत्पादकों के लिए बजट में प्रावधान करने पर भी आभार जताया है। 9 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किया गया बजट हर वर्ग के लिए बेहतर बजट है और ये बजट श्वेत क्रांति लाने में अहम रोल अदा करेगा। ये बात कामधेनु हितकारी मंच बिलासपुर के सदस्यों ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कामधेनु हितकारी मंच के सदस्यों ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों बागवानों के साथ ही बेसहारा हो चुके पशुओं और दुग्ध उत्पादकों के लिए जो प्रावधान किया गया है उससे दुग्ध उत्पादकों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि बजट 2018-19 में बेसहारा पशुओं के लिए 17 करोड़ प्रतिवर्ष का प्रावधान और आयोग का गठन करना, दुग्ध उत्पादकों द्वारा दूध इकट्ठा करने से लेकर वितरण करने तक खर्च होने वाली राशि में 1 रुपये प्रति लीटर का प्रावधान व चारे को लेकर कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जिसके चलते कामधेनु हितकारी मंच के सदस्यों ने सभी दुग्ध उत्पादकों की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। जो आज बेसहारा गायें सड़कों पर घूम रही थी उनके लिए अच्छे से बजट में प्रावधान करना, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उसके लिए प्रावधान किया है, मुझे लगता है इसके माध्यम से बहुत हद तक हम लोग इस समस्या से निजात पाने में कामयाब होंगे। हिमाचल प्रदेश की जो हमारी टोपोग्राफी है, यहाँ पर दूध को इकट्ठा करना और इसका वितरण करने के लिए हमारी संस्था का लगभग 3 रुपये प्रति लीटर जो खर्चा इसमें आता है, पहली बारी सरकार ने उसकी भरपाई करने के लिए 1 रुपये प्रति लीटर का प्रावधान किया है। इस बार के बजट में जैसी सरकार की मंशा है हिमाचल प्रदेश में श्वेत क्रांति को लेकर के आना, उसमें एक सार्थक प्रयास हुआ है। संस्था की ओर से और प्रदेश के सभी दुग्ध उत्पादकों की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के इस प्रकार के प्रावधान करने के लिए बहुत बहुत आभारी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।